हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो आज मैं आपके साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। घर के ही बचे हुए सामान से, तो आपको बाज़ार से कुछ भी लाना नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आइसक्रीम कितना अच्छा है देखने में, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। और इसे आप बनाएंगे तो आपके घर में सभी को पसंद आएगा इसका टेस्ट। अभी आम का मौसम है, तो आप मैंगो आइसक्रीम ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली को इसे खिलाएं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है। तो इसे मैं कैसे बनाती हूँ उसे यदि जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप इस आइसक्रीम को बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा इसका स्वाद। तो चलिए मैं देख लेती हूँ कि आइसक्रीम बनाने के लिए क्या चाहिए। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैं इस टाइप का आम ली हूँ। आम पका भी है लेकिन ज़्यादा पिलपिला टाइप का नहीं है, उसमें ज़्यादा जूस रहता है। यदि ज़्यादा गिलगिला टाइप का आम होता है तो आम पका होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा टाइट भी होना चाहिए, जिससे कि इसमें ज़्यादा पानी जैसा जूस ना निकले। तो मैं ऐसे टाइप के आम से बनाना दिखाऊँगी आपको। तो ज़्यादा बड़ा साइज का आम है तो आप जितना का चाहे बना सकते हैं। तो मैं इसमें पहले ले ली हूँ 1 कप चीनी, और इसके साथ ही 2 से 3 इलायची डाल के इसका पाउडर बना लूँगी। इतना चीनी लगेगा नहीं, मैं इसे पाउडर बना कर रख रही हूँ, आपको बताऊँगी कि कितना चीनी लगेगा कितना आइसक्रीम में। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, चीनी और इलायची साथ में पीस के मैं रख ली हूँ। तो अब मैं आम को छील के और इसका छिलका को अलग कर लूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। और चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस ज़रूर करें। बेल प्रेस करना ना भूलें। बेल प्रेस नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स तो मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में छोटा सा घंटी दिया रहता है उसे भी एक बार आप ज़रूर दबा दिया कीजिए। और जब भी नोटिफिकेशन जाए वीडियो को तो वीडियो को देखा कीजिए फ्रेंड्स, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। तो इस तरह से छीलने के बाद इसे इस तरह से बारीक बारीक सा कट लगा के और इसका गूदा निकाल ले रही हूँ। ऐसे निकालने से गूदा आसानी से निकल जाता है। तो आम मीडियम साइज़ का है तो मैं 3 आम से आइसक्रीम बनाऊंगी। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा आम ले सकते हैं, कम बनाना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे गूदे को निकाल के मिक्सर जार में रख रही हूँ। मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आती हूँ, तो आप हमारे चैनल पे आसान रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सारे आम में से पल्प निकाल ली हूँ, और इसे मैं क्या करूँगी तो इसका प्यूरे बनाऊँगी, इसका एकदम पेस्ट बनाऊँगी, स्मूथ पेस्ट। तो पेस्ट बनाने से पहले आप क्या करेंगे कि मिक्सी को लगातार नहीं चलाना होता है, बीच बीच में रोक रोक के चलाएंगे। रोक रोक के चलाने से इसमें कोई भी गुठली नहीं रहेगा, आम का टुकड़ा नहीं बचेगा और अच्छा सा ये स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, आम का स्मूथ पेस्ट बन चुका है। तो मिक्सर जार में ही मैं डाल दे रही हूँ पीसा हुआ चीनी। तो मैं 2 बड़े चम्मच चीनी डाली हूँ क्योंकि आम काफ़ी मीठा है। यदि आम कम मीठा होगा तो आप चीनी का मात्रा बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर। अब मैं डालूंगी फ्रेश मलाई,
जो हम लोग दूध लेते हैं, दूध के ऊपर जो मलाई पड़ जाता है, वही मलाई मैं 3 से 4 चम्मच इसमें डाल दूंगी, जिससे कि आइसक्रीम थोड़ा क्रीमी बने। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जो घर में अवेलेबल होता है सामान, मैं सिर्फ उसी से आपको बना के दिखा रही हूँ, तो आपको कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सामान हम लोगों के घर में हर हमेशा अवेलेबल होता ही होता है। तो इसको मैं डाल दी हूँ, अब क्या करूँगी तो इसे फिर से चला लूँगी 2 राउंड, तो बंद करके मिक्सर को, और फिर से 1 से 2 राउंड इसे चला लूँगी, जिससे कि एकदम सब एक दूसरे में मिल जाए सारे पेस्ट में। चीनी क्रीम जो मैं डाली हूँ तो देख पा रहे हैं आप, और इसका कलर भी कितना प्यारा है। और यदि आपके आम का कलर थोड़ा हल्का है तो आप इसमें 1 से 2 बूंद फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इसका कलर एकदम मैंगो के जैसा ही आए। तो इसमें मैं फूड कलर नहीं डालूंगी क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है, तो इसमें कलर का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं जमाने के लिए डालती हूँ इसे। तो आइसक्रीम जमाने के लिए मैं इस टाइप का कंटेनर ले ली हूँ, और आप किसी भी चीज़ में इसे जमा सकते हैं, कोई कटोरी में भी इसे जमा सकते हैं, सिर्फ उसका ढक्कन टाइट होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं इसमें सारे पेस्ट को डाल दी हूँ अच्छे से, और इसके ऊपर से आप यदि किसी एयर टाइट कंटेनर में नहीं जमा रहे हैं तो आप जिसमें भी जमा रहे हैं तो इसके ऊपर से पॉलीथीन लगा के उसके बाद आप ढक्कन लगाइएगा। तो मैं डायरेक्टली इसे बंद करूँगी क्योंकि ये एयर टाइट कंटेनर है, तो इसमें आइस क्रिस्टल नहीं पड़ेंगे अंदर में। तो इसे करके मैं इसे पूरे रात के लिए डीप फ्रीजर में रख दूँगी, जिससे कि आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाए। तो डीप फ्रीजर में रखने के बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि कितना अच्छा से जमा है। तो आप देखिए कितना अच्छा से आइसक्रीम जम के तैयार हुआ है। तो इसे निकालने के बाद तुरंत ना काटें, 2 मिनट छोड़ के उसके बाद आप इसे आइसक्रीम को स्कूप कीजिएगा तो ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि तुरंत निकाल के तुरंत इस तरह से स्कूप कीजिएगा तो ये थोड़ा सा टाइट लगेगा आपको, और 2 मिनट के बाद आप इस तरह से देखिए निकाल सकते हैं, और आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथली निकल गया है ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइसक्रीम वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो बन के तैयार है हमारे मैंगो आइसक्रीम। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ फिर से नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई बातों के साथ। थैंक यू।